और अगर उसके बाद भी नहीं आई फिर हम मन से स्टाइल से करेंगे, फिर हमको दोष मत देना, रस्ते पे गाड़ियाँ फूटेगी, कार्स टूटेगी, गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, गाड़ियाँ नहीं चलने देगी। ग्लोबल कंपनी को सिर्फ टेंडर मत दीजिए, उनको ब्लैक लिस्ट कीजिए, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ इतने साल धोखा किया। मेरा एक ही सिंपल क्वेश्चन था, कचरा उठना इंपॉर्टेंट है कि किसी की जान बचाना इंपॉर्टेंट है? नमस्कार, मैं आपके साथ एकता पदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा भाईंदर के महानगर पालिका में। ग्लोबल नामक कंपनी को कचरे उठाने का ठेका दिया गया है महानगर पालिका से, जिसमें 130 अनफिटेड गाड़ियों से वो कचरा उठाया जा रहा है, जिसके कारण रोड में कचरा और बदबू फैलता जा रहा है। एक्सीडेंट के प्रमाण भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसी संदर्भ में मनसे वातुक सेना के पदाधिकारी यहाँ पर आए थे। उन्होंने मनपा प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि उन्होंने पुलिस प्रशासन और मनपा प्रशासन को उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 7 दिन के अंदर इस अनफिटेड गाड़ियों की कार्रवाई नहीं की गई और ग्लोबल नामक कंपनी को हटाने के साथ साथ ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया, मनसे स्टाइल में वो मैदान में उतरेंगे और तोड़फोड़ करेंगे और गाड़ियों को रोकेंगे। आइए बात करते हैं उनसे कि क्या क्या और परेशानियां सहनी पड़ रही है उनको इन अनफिटेड गाड़ियों से, और रोड में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनके संदर्भ में उन्होंने क्या क्या बताया है। कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी, मैं ऊपर से बात करके कार्रवाई कराऊंगा, क्योंकि ये इलीगल चल रही है। आपका काम है रोड पे अगर इलीगल गाड़ियाँ चल रही है तो उसको रोको, सीज करो। उसका फिटनेस नहीं है तो आपको उसको सीज करना है, उसका इंश्योरेंस नहीं है तो सीज करना है। उनका कहना है कि हमारे पास जगह नहीं है। अगर जगह नहीं है तो आप रस्ते के 2-व्हीलर और 4-व्हीलर को ले लेके जाकर डंप कर रहे हो, गौठान में जमा कर रहे हो, उनकी गाड़ियाँ छोड़ नहीं रहे हो। बस किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी ने हेलमेट नहीं पहना है तो उनकी गाड़ियाँ जमा हो रही है, और ये बड़े डंपर जमा करने के लिए आपके पास जगह नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नगर पालिका जिम्मेदार है ट्रैफिक? ये सब उनका सबका मिला जुला है। यहाँ पे जिनका टेंडर निकला है, ये कंपनी है ग्लोबल कंपनी का टेंडर के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एक्शन नहीं ली जा रही है। इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ग्लोबल कंपनी का टेंडर निकला था 2012 को, 2012 से 2017 में उनका टेंडर निकला। ये टेंडर की डिटेल्स में मैं आप भाइयों को मैं दूंगा इसकी कॉपी। ये 2017 में उसका टेंडर ख़त्म हो चुका है। 2017 में इन्होंने ठहराव पास किया, इसमें मैंने हाईलाइट किए हैं मुद्दे, आपको दिखेंगे कि 10 दिन में महासभा वापस लेकर नया टेंडर चालू करना है। 2017 से आज 2022 हो गया है, सिर्फ इसके ऊपर अभी तक ये टेंडर चल रहा है। हर साल उनका जो मुनाफा जो परसेंटेज बढ़ रहा है वो बढ़ते जा रहा है, उनके बिल पास होते जा रहे हैं, वो लोग वही गाड़ियाँ चला रहे हैं, वही इलीगल गाड़ियाँ चल रही है, उनके गाड़ियों के नीचे लोग मर रहे हैं, किसी का कोई एक्शन नहीं है, किसी का भी कोई एक्शन नहीं है। जब हमने ये चालू किया, जब उनसे मिलना चालू किया, अब वो लोग टेंडर की घाई कर रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि फटाफट टेंडर निकाले और उसी को वापस दें, जो कि फिर से एक बड़ा स्कैम है। और ये स्कैम नहीं होने के लिए आज हम आपके साथ सबके सामने आए हैं। हमने आज आयुक्त से मिलने की कोशिश की, पर आयुक्त साहब आज है नहीं। हम उपायुक्त रवि पवार से मिले हैं, उनको हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 7 दिन में उन्होंने इसको, हमारी दो मांगे हैं, एक तो इस ग्लोबल कंपनी का सबसे पहले जो ठहराव है, टेंडर है, जो भी आपने बनाया है वो एग्रीमेंट कैंसिल करो। सेकंड है कि इसको ब्लैकलिस्ट करो, ये वापस टेंडर भरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ धोखा है। हम टैक्स पेयर्स हैं, हम पैसा भर रहे हैं और हमारा पैसा तुम खा रहे हो, फुकट में खा रहे हो। तुमने गलत गाड़ियाँ चलाई है, तुमने गलत पैसा हमारा लिया हुआ है। कम से कम 80-90 करोड़ का टेंडर चल रहा है और उसमें तुम्हारी गाड़ियाँ ठीक नहीं रख सकते हो। तुमने टेंडर में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट क्या साइन किया है, वो एग्रीमेंट के हिसाब से तुम चल नहीं सकते हो, मतलब क्या है। और इसमें सारे मिले हुए, हमारा सीधा सीधा आरोप है, इसमें नगर पालिका के अधिकारी भी मिले हुए, इसमें वातुक शाखा के लोग भी मिले हुए। अब उसको ढूंढ के निकालिए, 7 दिन में इस पर एक्शन लीजिए। 7 दिन में एक्शन नहीं लेंगे तो मेरे से भी वरिष्ठ यहाँ पर ज़रूर आएंगे, श्री आरिफ भाई शेख, उन्होंने बात की है, उन्होंने मुझे कमिटमेंट की है कि 7 दिन में ये एक्शन नहीं लेते तो वो खुद आएंगे नगर पालिका में, और अगर उसके बाद भी नहीं आई फिर हम मन से स्टाइल से करेंगे, फिर हमको दोष मत देना, रस्ते पे गाड़ियाँ फूटेगी, कार्स टूटेगी, गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, गाड़ियाँ नहीं चलने देगी। मेरा नाम फ्रांसिस लोबो और मैं वातुक मनसे शहर अध्यक्ष हूँ मीरा भाईंदर का। जैसे सर ने आपको ये पूरा मुद्दा तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, ये मुद्दा हम पिछले 6 महीने से वातुक शाखे से और नगर पालिका के साथ फॉलोअप में है। ये हमने रेज़ किया, पूरे इश्यूज़ इनको एक्सप्लेन किए। जब वातुक शाखे में जब हम बात करने जाते हैं तो वो हमें डाइवर्टिंग रिस्पॉन्सेज देते कि मैं अजीत मुटे सर से बात करता हूँ, रवि पवार सर से बात करता हूँ। सो मतलब कहीं ना कहीं एक्शन से सभी डर रहे हैं। 2 दिन पहले जब मैंने जब सर ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा हमको अभी इसके ऊपर वी हैव टू टेक अ स्टर्न एक्शन, तो हम वातुक शाखे में जाके उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन करने के लिए गए थे। एंड उन्होंने हमें बोला कि हम एक्शन इसीलिए नहीं ले रहे ताकि
लोगों का कचरा उठना चाहिए? मेरा एक ही सिंपल क्वेश्चन था, कचरा उठना इम्पोर्टेंट है कि किसी की जान बचाना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि डंपर जिस हिसाब से उनके पेपर्स क्लियर नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी पेपर्स नहीं है, वो आए दिन यहाँ पर वेस्ट में एक बच्चे को उसने क्रश किया था, एक रिक्शा वाले को उसने क्रश किया था। मतलब लोगों की जान इम्पोर्टेंट है कि आप कचरा इम्पोर्टेंट बता रहे हो? तो इस चीज़ पर ऑलरेडी मन से एक्शन ले चुकी है, इसके ऊपर हमारे वरिष्ठ भी आने वाले हैं। अगर पालिका की तरफ से और वातुक शाखे की तरफ से कोई एक्शन ना हुआ तो हम हमारे स्टाइल में एक्शन तो डेफिनेटली लेंगे, और सब आंदोलन का प्लानिंग हो चुका है। महानगर पालिका कचरे के टेंडर का जो टेंडर दिया है उसमें अनफिटेड गाड़ियां चल रही है, पुलिस विभाग भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, ना ही पालिका करती है, और अब ये टेंडर होके भी काफ़ी वर्ष हो गए। आप लोगों को क्यों लगता है कि अब ये मुद्दा उठाना चाहिए? जब पिछले 6 महीनों में हम लोगों के पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई, उत्तन साइड से पहले शुरुआत हुई थी, हमारी महिला उपाध्यक्ष है श्रीमती वैशाली येरुनकर, उन्होंने वहाँ पे मुद्दा उठाया था क्योंकि वहाँ पे 2-3 बार डंपर ने एक्सीडेंट करवाए, छोटे बच्चे की जान जाते जाते बची। यहाँ पे दीपक हॉस्पिटल के पास एक रिक्शा वाले को डंपर से उड़ाया गया, तब हम इसके पीछे लगे कि ये क्या हो रहा है, डंपर के ऊपर FIR क्यों नहीं हो रही है, तब हमने उसकी मालूम करना चालू किया। और जब इस विषय पर हम थोड़ा खोद के और निकालने लगे और उसकी RTI मार के जब हमने डंपर्स की सारी डिटेल्स ली, तब जाके हमको ये सारी डिटेल्स पता चली कि इनका टेंडर तो 2017 में ख़त्म हो चुका है। 2017 के बाद ये सिर्फ एक ठहराव पे चल रहे हैं, जो ठहराव में सीधा सीधा लिखा हुआ है, जिसकी कॉपी मैं आप सबको दे चुका हूँ, कि 10 दिन के अंदर वापस महासभा लेकर इसको नया टेंडर रिन्यू करना है, नया टेंडर बनाना है, जो कि आज तक नहीं हुआ। और अब जाके जब हम इसके पीछे लगे हैं तो वो लोग इस चक्कर में है कि वापस ये टेंडर फटाफट चालू करके उसी कंपनी को देख क्यों। और हमारे इसलिए ये सीधा सीधा हमने मांग रखी है कि सबसे पहले तो इसको तो टेंडर मिलना ही नहीं चाहिए, ग्लोबल कंपनी को तो इस टेंडर से हटा दीजिए, नया टेंडर निकालिए, नई कंपनी इसको बुलाइए, और ग्लोबल कंपनी को सिर्फ टेंडर मत दीजिए, उनको ब्लैकलिस्ट कीजिए, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ इतने साल धोखा किया है। गलत गाड़ियाँ चलाइए, अनफिटेड गाड़ियाँ चलाइए, किसी का इंश्योरेंस नहीं है, किसी की पासिंग नहीं है, किसी का फिटनेस नहीं है। मुझे तो डाउट है कि ड्राइवर के भी लाइसेंस होंगे क्या नहीं, वो अभी वातुक शाखा एक्शन लेगी तो पता चलेगा। पिछले 2 दिन से हम ज़बरदस्ती करके हमारे महाराष्ट्र सैनिक खड़े रह के एक्शन करवा रहे, तो वो सिर्फ पावती फाड़ने का काम कर रहे हैं। हमने उनको बोला है कि ऐसी गाड़ियाँ सीज करो, हानिकारक है, रोड पे नहीं चलनी चाहिए, पर उसकी जगह वो लोग सिर्फ पावती फाड़ रहे। 2-4 गाड़ियाँ शायद उन्होंने सीज की होगी, जिसकी रिपोर्ट अभी आज हमको मिली है, हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली एक्शन उन्होंने क्या लिया। मनपा आयुक्त की क्या भूमिका है इसको लेकर के? मनपा आयुक्त की अभी क्या भूमिका है एग्जैक्टली, वो हमको आज पता चलता था अगर वो हमसे मिलते तो, पर आयुक्त साहब आज मिले नहीं, इसलिए हम उपायुक्त रवि पवार से मिले हैं और उन्होंने 7 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन तो दिया है, हमने उनको अल्टीमेटम नहीं। लेकिन आप पिछले 6 महीने से अगर इसका फॉलोअप ले रहे हैं तो आपको अभी तक का मनपा आयुक्त की भूमिका ही पता नहीं चली, ये कैसे संभव है? हाँ, क्योंकि 6 महीने हम लोग तो सिर्फ डंपर के पीछे पड़े थे, हमको टेंडर और ये सब चीज़ से कोई जानकारी नहीं। हम वातुक सेना है, हम वातुक के लोग हैं, हम वातुक के विषय में बात करते हैं और उसके पीछे फॉलोअप करते हैं। लेकिन उसके पीछे फॉलोअप करते वक्त जब हमको पता चला कि इसमें सारा ये, क्योंकि एक्शन नहीं ली जा रही है, एक्शन क्यों नहीं ली जा रही है, उसके पीछे जब हमने डिटेल निकाली तो ये सारी चीज़ें पता चली। डेफिनेटली महानगर पालिका के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। आयुक्त को मैं डायरेक्ट फिलहाल ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी तक मुझे उनसे बात नहीं हुई है, उनका रिस्पॉन्स समझने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट लग रही है या नहीं लग रही है। पर हाँ, महानगर पालिका अधिकारी, वातुक शाखा के अधिकारी इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व है, इस पर फौजदारी गुनाह भी दाखिल करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, पुलिस निरीक्षक कुल मिलाकर के पुलिस प्रशासन का इस विषय पर क्या रवैया रहा? रमेश भामे जो वातुक के इंचार्ज है, उनसे आपकी मुलाकात हुई क्या? उन्होंने इस पर क्या एक्शन लिया? बिल्कुल नकारात्मक रहा है उनका सहकार्य, क्योंकि जब हम पहली बार गए, जब पहली बार मिले तो उन्होंने बहुत सकारात्मक भूमिका दिखाई। उन्होंने हमको बहुत, हमारा 1 घंटा लिया, उन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई कि मुझे ये अड़चनें आ रही है। जब हमने दोनों विषय लिए थे कि अनधिकृत तरीके से जो पार्किंग खड़ी होती है, अवजड़ वाहन हम कहते हैं, हेवी व्हीकल्स खड़े होते हैं उनका, और डंपर के बारे में विषय बताया था, तो उन्होंने हमको बहुत सारा सहयोग मांगा था जो हम दे रहे थे। हमारे महाराष्ट्र सैनिक उस पर दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी मंशा नहीं थी एक्शन लेने की। जब ये सारी गाड़ियों के RTI मार के हमने डिटेल्स निकाली और उनके हाथ में दी, हमारे शहर संगठक है श्री फ्रांसिस लोबो, उनको मैंने पर्सनली भेजा उनके पास ये सारी डिटेल्स लेकर, तो उनका कहना था कि मैं सिस्टम रोक नहीं सकता, मैं इस तरह से एक्शन नहीं ले सकता, इसका मतलब वो एक्शन लेना नहीं चाहते थे, उनकी नीयत ही नहीं थी। मुझे बकायदा उन पर प्रेशर डालना पड़ा ये कहकर कि अगर आप एक्शन
नहीं लेंगे तो मैं आपके ऊपर के अधिकारियों तक जाऊंगा, मैं ऊपर से बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। और अगर ये गाड़ियाँ नहीं है बराबर, फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो आप इन गाड़ियों को क्यों चलने दे रहे हो? तब जाकर वो प्रेशर के चलते उन्होंने कार्रवाई करने का छोटा मोटा सिर्फ नाटक करके दिखाया, दो दिन उन्होंने सिर्फ गाड़ियों को रोका और पावती फाड़ी है। हमारी डिमांड है कि उन गाड़ियों को सीज किया जाए। जब टू व्हीलर और फोर व्हीलर रस्ते पर चलते, अगर एक हेलमेट भी नहीं रहेगा तो आप गाड़ी सीधा गावटन लेकर जाते हो, तो इतने बड़े डंपर चल रहे रस्ते में और डंपर के नीचे लोग आ रहे, तो आप उनको सीज क्यों नहीं कर रहे? तो जिस तरीके से आपने सुना कि मनसे के पद अधिकारी किस तरीके से आक्रामक रूप में उन्होंने जवाब दिया है और अल्टीमेटम के साथ साथ उन्होंने एक धमकी भी दी है कि 7 दिन के अंदर अगर प्रशासन कदम नहीं उठाती है तो वो अपने हिसाब से अपने मन से स्टाइल में कदम उठाएंगे। अब देखना ये है कि महानगर पालिका में जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है वो अल्टीमेटम वो किस तरीके से पूरा करते हैं। अब देखना ये है मनसे के पद अधिकारी क्या उनके स्टाइल में सच में मैदान में उतरेंगे या फिर 7 दिन के अल्टीमेटम के साथ अगर वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो वो भूल जाते हैं। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पुदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।